बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देखता है अरशद अली ऑफिशियल। जी नाज़रीन, ये कबाड़ की वीडियो है और तमाम कबाड़ इसमें, हर किस्म की कबाड़ मौजूद है। आप लोग ये छोटा सा वीडियो लाजिमी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में आप लोग जो इस कबाड़ी की हम जो कारखाने में मौजूद है, इस कबाड़ में तकरीबन ड्रिप्स, डॉक्टर वाली दवाई वाला इंजेक्शन, सारे सिरंज वगैरह या बोतल वगैरह या हड्डी इसमें सारे मौजूद है और आप लोग देखता है। और जी नाज़रीन, एक अफसोसनाक बात ये है कि अकवाट के ये कारखाना में जो ज़्यादातर चीज़ें मौजूद है, लेकिन प्लास्टिक वाली सामान को किसी ने जो आग लगाया हुआ है, जो अफसोसनाक वाकया है, इसको तकरीबन 4-5 लाख रुपए नुकसान हुआ है। जी अफसोसनाक वाकया ये है कि इस 4-5 लाख रुपए जो वो किसी ने प्लास्टिक को आग लगाया और प्लास्टिक सारे जो बोतलें वगैरह और ये फजूल ख़राब हो गया। तो इस बंदे कबाड़ी वाले ने हमको बताया कि इसे वीडियो करो। मैंने इससे वीडियो भी किया कि इसको कितना नुकसान हो गया। आप लोग ये वीडियो देखता है, इस कबाड़ में हर चीज़ मौजूद है। आप लोग देखता है इसमें बोतल भी है, हड्डियाँ भी है और प्लास्टिक भी है और इसमें कूलर वगैरह भी देखता है। इसमें सारे चीज़ मौजूद है। आप लोग ये छोटा सा वीडियो लाजिमी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। इसमें हर किस्म की कबाड़ मौजूद है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग गरीब कारोबार कराता है और इसमें 10-15 रुपये रोज़ाना जो कमाता है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिज़्क में बरकत होगा। सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से करो, नमाज कायम करो, 5 वक्त का नमाज पढ़ो और सूरत यासीन भी पढ़ो, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो। दुरूद शरीफ की इतनी फजीलत है, हमारे रिज़्क में और इजाफा हो जाएगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस गरीब बंदे को किसी ने इसको रात के वक़्त इसको प्लास्टिक वाली जो बोतल वगैरह था तो इसको आग लगाया था। तकरीबन 5-6 लाख रुपए इसका नुकसान हुआ है। तो आप लोग ये अफसोसनाक वाकया है। इस पर अगर किसी के जो ये बोतलें वगैरह आप लोग देखता है, ये कितने बोतलें वगैरह ये इसमें ज़्यादातर सामान भी है, आप लोग देखता है। लेकिन वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ और ख़ूबसूरत वीडियो है, लाजिमी देखो कि ये इस पर आप लोगों को पता है कितना खर्च आता है। मैं मलकंड से हूँ और ये क्वाटा इलाका है। मैंने तकरीबन कितने देर तक सफ़र किया है, ये खैबर पख्तूनख्वा के जो हम ज़िला मलकंड दर्रे से हाट ये पिशावर से थोड़ा सा आ गए। तो आप लोग हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर हमारा वीडियो लाइक करेगा और कमेंट में माशाल्लाह सुभान अल्लाह लाजिमी लिखेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको इजाज़त दे अल्लाह।